इसके लिए आप अपने ब्राउजर को ओपन करें और गूगल पर सर्च करें SIAM.in। ये देखिए फर्स्ट नंबर पे जो आपको वेबसाइट शो हो रही है, इसमें सेकंड नंबर का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, HSRP रजिस्ट्रेशन। इस पर आपको क्लिक कर देना है तो ये डायरेक्टली आपको SIAM.in की वेबसाइट पर लेकर जाएगा। इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपनी डिटेल को फिल कर देना है। डिटेल्स में आपको अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना है। यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट आपको फिल करनी है और लास्ट में आई एग्री वाले चेकबॉक्स को आपको क्लिक करके सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको अपने जिस भी कंपनी का आपका व्हीकल है उसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करें। और यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन शो होगी, इस इन्फॉर्मेशन में ये लिखा हुआ है कि अगर आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है और रिसिप्ट जनरेट नहीं होती है तो आपको दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, 2 घंटे के अंदर आपको फिर से वो रिसिप्ट जो है आप रीप्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको अप्लाई न्यू HSRP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज खुलेगा, इस पेज पर आपको अपने व्हीकल की इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, जैसे कि कौन सी कंपनी का है, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है उसका, पेचिस नंबर उसका डाल देना है और इंजन नंबर आपको फिल कर देना है यहाँ पर और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपनी फिटमेंट इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है, जैसे कि यहाँ पर आप सिटी को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आया है तो जिस सिटी में आप रहते हैं उस सिटी को सिलेक्ट कर दें, और उसके बाद मंथ को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है तो आप जो इसके स्लॉट्स अवेलेबल होंगे जिस मंथ के वो यहाँ पर शो कर देगा, और जो भी डीलर होंगे वहाँ के वो इस पेज पर शो हो जाएंगे। तो आप यहाँ से जो डेट सूटेबल है आपके लिए उस डेट को सेलेक्ट करें, उस टाइम स्लॉट को सेलेक्ट करें जो आपके लिए सूटेबल है। फिर इसके बाद अपने व्हीकल का जो मॉडल नंबर है वो डाल दें, जैसे कि मेरे केस में सिटी डिलक्स था तो मैंने वो डाल दिया है, लेकिन यहाँ पर व्हीकल की क्लास भी डालना है तो व्हीकल की क्लास को सेलेक्ट कर लें, जिस भी क्लास का आपका व्हीकल है। और देखिए यहाँ अमाउंट शो कर दिया 425 रुपये, यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको ओनरशिप की इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, यानी कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है यहाँ पर, तो अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और अपना घर का एड्रेस डाल देना है। तो जैसे आप ये सब चीज़ें फिल करके नेक्स्ट करते हैं तो आपको अपनी डिटेल वेरीफाई करने के लिए नेक्स्ट पेज पर सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। इसके बाद आपको ये नंबर प्लेट की साइज़ वगैरह सब दिखा देगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए गेट OTP का ऑप्शन आया है, तो जो आपने इसके अंदर मोबाइल नंबर डाला है उस पर OTP आएगा, तो OTP को आपको फिलअप कर देना है यहाँ पर। OTP वेरिफिकेशन होने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अमाउंट दिखा देगा कि भाई 425 रुपये आपका टोटल अमाउंट है। पे नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है इसके बाद, और जैसे आप पे नाउ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जिस जो भी सूटेबल आपके लिए ऑप्शन है उस ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो नेक्स्ट पेज पर फिटमेंट अपॉइंटमेंट की रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। इस रिसिप्ट का आपको प्रिंटआउट ले लेना है और दिए गए डेट और टाइम पर डीलर के पास जाकर आपको अपनी नई HSRP नंबर प्लेट लगवा लेनी है। वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।